दोस्तों ये है हमारा चिलबिल का प्लांट। उसकी हालत थोड़ी पतली हो गई थी, कुछ न्यूट्रिशन की कमी भी हो गई थी। देखिए पत्तों का जो कुछ ये कलर है वो देखिएगा, और आजकल ये गिरने भी लगे हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र दिया, ये देखिए इस तरह से न्यू ग्रोथ आने लगा है और वो हेल्दी है, इसमें कोई कलर चेंजेस नहीं है। तो उस प्लांट को बूस्टअप करने के लिए हम यहाँ डिफोलिएशन करेंगे। आज ये पूरी ब्रांच ग्राफ्टेड है, तो यहाँ मैच्योर पत्ते दिख रहे हैं कलर वाले। तो ये मेरा एक बोनसाई है, अब तो बन ही गया है मेरे ख्याल से। तो उसको अब हम क्या करेंगे, डिफोलिएशन करेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा है। यहाँ एडवांस टेक्निक भी अप्लाई की गई है, स्प्लिट किया था यहाँ मोटे मोटे जो रूट थे और वो भी हीलिंग हो गए। और ये देखिए ये चीज़, ये है स्पाइडर के अंडे, यहाँ स्पाइडर अंडे देते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ मैं उसको डिफोलिएशन कर लेता हूँ जिससे ये सही तरीके से बढ़ावा मिले, क्योंकि सब जगह ग्रोथ स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। यहाँ भी ग्रोथ दिखने लगा है, अब यहाँ स्टार्ट हो गया है स्प्रिंग की तरह। तो चलिए उसमें मैं डिफोलिएशन करता हूँ। तो चलिए डिफोलिएशन यानी इस तरह पत्ते काट देना प्लांट के। तो किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा बार भी कर सकते हैं, तो ऐसा है नहीं दोस्तों। ये लगभग दूसरी बार है इस साल में, ये डोरमेट में जाने वाला प्लांट है दोस्तों। ये जो आने वाला ग्रोथ है वो मैच्योर होने के बाद ये विंटर तब तक आ जाएगा और ये चला जाएगा डोरमेसी में, यानी ये पत्ते अपने खुद चढ़ देगा, सो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ कुछ अलग ही स्टाइल किया है मैंने इस प्लांट के साथ, बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रांचे है यहाँ, कुछ अनवांटेड ब्रांचे भी। ये 2012-13 के बीच का होगा ये, तब मैंने इस प्लांट को वाइल्ड हार्वेस्टिंग से लगाया था। पुनाई का नाम तो सुना ही होगा, तो वहीं से हमने इसको हार्वेस्टिंग किया था, उनाई के जंगलों से। चलिए मैं डिफोलिएशन कर लेता दोस्तों। प्लांट डिफोलिएशन कर दिया है और स्पाइडर के जो एग्स थे वो फिर से हमने यहाँ लटका दिया है। तो देखिए यहाँ बहुत सारी ब्रांचें दिखाई देगी आप लोगों को। जब अनवांटेड ब्रांचों के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था, तब से ये स्टाइल किया है, तो मैंने रखी है ब्रांच। और ब्रांच रखने से यहाँ कोई अनबैलेंस नहीं होता, जैसे कि फाइकस वगैरह में लंप बनने लगते हैं, रिवर्स टेपर होने लगता है, ये सब मैं यहाँ नहीं देख पा रहा। भले ही ब्रांच एक ही जगह पे है, यहाँ देखिए कितनी सारी ब्रांचें हैं, बट यहाँ कुछ आप लोगों को रिवर्स टेपर कुछ दिखाई नहीं देगा अच्छी तरह से, जितना होता है ऐसा नहीं है। देखिए इसकी मैच्योरिटी यहाँ से होती है, ये नेब्रिस इस तरह हेल्दी प्लांट। इस तरह का प्लांट अगर तैयार हो जाता है, वक्त लगता है बट हो जाता है, पर हुआ है तो अच्छा दिखता है। यहाँ एक बार अच्छे से ग्रोथ करने देंगे, फिर हम उसमें ट्रिमिंग वगैरह करके उसको डोरमसी के लिए रेडी कर देंगे। यहाँ न्यू ग्रोथ हो रहा है, उसको हम कुछ ट्रिमिंग भी करना पड़ेगा, वायरिंग भी लगेगी। वायर बाइट भी नहीं है, तो मैं कोई वायर भी नहीं हटा रहा हूँ। वो सब जगह आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हैं, वो ग्रोथ का इफेक्ट है और वो है फर्टिलाइज़र हमारा। ये यहाँ कुछ फर्टिलाइज़र पैलेट्स रखी है मैंने उसकी वजह से। और याद रखे दोस्तों, जब पत्तों का कलर आप लोगों ने पहले भी देखा, तो कोई न्यूट्रिएंट देने से इसका पत्तों का कलर फिर से अच्छा हो जाएगा, ये भूल जाइए। आपको वो पत्ता अपने साथ लेके जाएगा और जो ग्रोथ या जो न्यूट्रिशन में कमी थी वो रिकवर हुई है या नहीं वो जानना है। तो नया आने वाला ग्रोथ देखिए,
वो हेल्दी होगा तो समझ लीजिए आपका जो फर्टिलाइज़र वगैरह है केमिकल या ऑर्गेनिक वो काम कर रहा है। वो पत्ते तो अपने साथ गिरेंगे तो ही जाएगा, ये इफ़ेक्ट फिर से रिवर्स नहीं होगी, ये हेल्दी नहीं होगा, ये लीफ निकालना ही पड़ता है। तो ये याद रखें दोस्तों, कोई भी आप अप्लाई कीजिए फर्टिलाइज़र वगैरह तो वो नए लीफ में दिखाई देता है। तो ये है ट्री का लुक ओवरऑल। तो ऐसे ही बने रहे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा लोकल प्लांट है चिलबेल, एक बार फिर से बता देता हूँ, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।